चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 4 फरवरी और वर्ल्ड कैंसर डे। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे पर मेरी डॉटर, मेरी बेटी जो है वो अपने बाल डोनेट कर रही है, तो उसी का एक छोटा सा कार्यक्रम है, वहीं पर आज हम सब मिलके वहां जाएंगे। तो उसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं। कैंसर के बारे में आप सब जानते हैं कि कैंसर कितनी गंभीर बीमारी है, और आज के टाइम में इसके जो पेशेंट है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि आज का हमारी जो रूटीन है, हमारा जो डेली रूटीन है, हमारा खान पान है, उनमें इतना चेंजेस हो गया है, उस कारण से कैंसर पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब कैंसर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है, जो थेरेपी होती है, उस थेरेपी के कारण बहुत सारे मरीज अपने बाल खो देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। अब आप ही सोच के देखिए ना एक बार कि आपके और मेरे अगर बाल नहीं हो तो हम कैसे लगेंगे। सपोज कीजिए, मैं कैसी लगूंगी अगर मेरे बाल नहीं होंगे। तो ये सोच के ही मेरी बेटी ने डिसाइड किया एक साल पहले कि मम्मा मैं अपने बाल बड़े करूंगी और वो मैं बाल डोनेट करूंगी। तो मैंने भी हाँ कर दी। बहुत अच्छी बात है, जब हम बाल डोनेट करते हैं तो उन बालों से उन मरीजों के लिए विंग तैयार की जाती है, क्योंकि नेचुरल बालों से जो विंग तैयार की जाती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। हर महिला उस विंग को नहीं खरीद सकती है। तो कुछ ऐसी क्लब है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये विंग को डोनेट करती है। ऐसा ही काम हमारे जोधपुर सिटी में जोधाना कैनल ग्रुप कर रहा है। उन्होंने एक अभियान चलाया है, उस अभियान का नाम है डोनेट हेयर फॉर कैंसर पेशेंट केयर। तो उन्हीं के माध्यम से मेरी बेटी बाल डोनेट कर रही है, और ये जो सारा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम संगीता जी बेनीवाल के वहाँ रखा गया है। तो संगीता जी बेनीवाल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जिन्हें नहीं पता हूँ। संगीता जी राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा ही उन सभी महिलाओं को जिन्होंने बाल डोनेट किए हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी ने ऐसा सोचा। उसके साथ एक ऐसा किस्सा हुआ था, उस कारण से उसके माइंड में, उसके दिल में ये बात आई कि वो अपने बाल डोनेट करे। तो एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए कि वो अपने बाल डोनेट कर रही है। ओके गाइज, तो फटाफट ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, कंटिन्यू देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ है। अभी हम सब मिलकर वहां जाएंगे और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो जल्दी फटाफट तैयार होते हैं। तो चलिए पहले लंच कर लेती हूँ मैं, उसके बाद रेडी होती हूँ, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम संगीता जी के घर पर आ गए हैं, जहाँ पर वर्ल्ड कैंसर डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, तो हम बहुत जल्दी आ गए, प्रोग्राम स्टार्ट 1 बजे होगा। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा पपी था, तो सोम उसके साथ खूब सारी मस्ती करने लगा, उसके साथ खेलने लगा। तो फ्रेंड्स, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, और अब स्वीटी का बारी आ गई है, और वो अपने बाल डोनेट कर रही है। तो 12 इंच बाल इसमें डोनेट करने होते हैं। तो ये जोधाना कैनल ग्रुप की सदस्य हैं, जिनका नाम है प्रिया राठी जी, और वही बालों को पहले इंची टेप से नापेंगे और उसके बाद कट करेंगे।
संगीता बेनीवाल जी ने सभी लेडीज़ और गर्ल्स को यहाँ पर सम्मानित किया और स्वीटू को सम्मानित करते हुए यहाँ पर आप ये बताओ आपने आज क्यों किया, कोई आपको एक्सपीरियंस था, किसी को देखा आपने? मेरे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? आज विश्व कैंसर दिवस पर जिस तरह से जोधपुर कैनल ग्रुप के द्वारा मुहिम चलाई गई है कि हम अक्सर देखते हैं जो हमारे कैंसर से पीड़ित मरीज होते हैं उनके थेरेपीज जब शुरू होते हैं तो उनके बाल चले जाते हैं, और खासकर महिलाएं जिनका श्रृंगारी केस होता है तो वो बड़ी परेशान सी हो जाती हैं उनके बाल जाने पर। उसको देखते हुए सभी ने आज यहाँ पे अपने अनुभव बताए कि उन्होंने कैसे मोटिवेट होकर बालों को ध्यान देने की बात कही, तो मुझे बड़ी खुशी है इस ग्रुप ने जो मुहिम चलाई है और हमारे जो मरीज़ हैं उनको मोटिवेट किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूँगी। कैंसर दिवस पर सभी से कहना चाहूँगी, चाहे वो हमारे कैंसर से पीड़ित हमारे मरीज पेशेंट्स हैं, और आजकल की जो खान पान चल रहा है और जो जीवन शैली है वो इस तरह की चली है कि हमारे आज हम लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं, तो हमको हमारा ध्यान रखना चाहिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रखनी चाहिए। कैंसर से हमारे कई सारे उदाहरण हैं हमारे सामने जिन्होंने इससे विजयश्री हासिल की है, नाम उनकी नहीं है, पुनः बधाई दूंगी उन सभी को आज इस पावन मौके पे। आपका नाम? प्रिया राठी। प्रिया, ये जो अभी आपने अभी सब ने जो हेयर डोनेट किए उसका आप क्या करोगे, मतलब क्या प्रोसेस है, ये सब मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे। ओके, द थिंग इज कि हमने जो बाल है ना 12 इंचेस हम लोग लेते हैं मिनिमम। ओके मैम। बिकॉज द थिंग इज कि वो जो विग बनने की प्रोसेसिंग होती है ना उसमें मिनिमम 12 इंचेस रिक्वायर्ड होते हैं। हम लोग इनको बहुत अच्छे से एयर टाइट पॉलिथिन में पैक करेंगे सारे हेयर को, प्रॉपरली उनको ब्रेड्स बना के एंड देन हम उसको कुरियर करेंगे। ओके, और जहाँ हम कुरियर करेंगे जैसे वी आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम जहाँ कुरियर करेंगे वो लोग भी विग्स बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड देन इवन द विग्स विल बी गिवन टू द पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज विग्स बहुत कॉस्टली आती आते हैं और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो ठीक है, ओके, वी कैन। यस मैम। तो ओके व्यूअर्स, आप में से भी कोई कैंसर पीड़ितों को अपने डोनेट करना चाहते हेयर तो प्लीज़ कोई कांटेक्ट नंबर मैम या फिर या अगर कोई भी डोनेट करना चाहता है तो वो लोग जोधाना कैनल क्लब को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई कांटेक्ट नंबर? मेरा कांटेक्ट नंबर 7665011433। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, अगर आप जोधपुर सिटी से हैं तो प्लीज़ जोधाना कैनल ग्रुप से जुड़िए, इस मुहिम से जुड़िए और अपने बाल डोनेट करिए। ओके बाय बाय गाइस, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।